मशहूर कोरियोग्राफर धर्मेश काफी वक्त से अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान रह रहे थे और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो किसी से दो बातें तक नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको धर्मेश की गर्लफ्रेंड की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त धर्मेश हॉस्पिटल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। जी हां, खतरनाक बीमारी ने धर्मेश को जकड़ लिया है। क्वारंटाइन की वजह से वो किसी का चेहरा तक नहीं देख पा रहे। याद हो आपको, हाल ही में धर्मेश के सेट यानी डांस इंडिया दीवाने 3 के सेट पर करीब 18 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद शो पर काफी बुरा असर पड़ा था। साथ ही जज को लेकर भी खतरा सता रहा था और आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। शो के जज यानी धर्मेश बीमारी के शिकार हो गए। वो काफी दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। सर्दी जुकाम के साथ धर्मेश को वीकनेस भी हो रही थी, जिसके बाद धर्मेश को फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और अब धर्मेश क्वारंटाइन में है। हालांकि धर्मेश की गर्लफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आया। ऐसे वक्त में धर्मेश को अपनों की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी तक धर्मेश की गर्लफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आया। धर्मेश के साथ साथ शो के प्रोड्यूसर अरविंद राव भी इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं। इन दोनों को आराम करने की सलाह दी गई है ताकि ये बीमारी को हरा सके। अगर बात करें अदाकारा माधुरी दीक्षित की, तो उनका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आया है। धक धक गर्ल माधुरी के साथ साथ शो के होस्ट राघव की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जीवन में तमाम मुसीबतें और तकलीफें आती हैं। हर दिन हर पल व्यक्ति को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब मुश्किलों को जो डट कर सामना करता है, हार नहीं मानता, वही धर्मेश यलांडे जैसा इंसान कहलाता है। चाय के खोके पर पिता के साथ काम करने वाले धर्मेश ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत अचानक इतनी ज्यादा चमक जाएगी। कोरियोग्राफर धर्मेश के पास आज सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है, या यूं कहें कि वो इस मुश्किल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल धर्मेश अपनी गर्लफ्रेंड बेशर्ना खान से बहुत प्यार करते हैं और कई सालों से उन्हें डेट कर रहे हैं, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं कि ये जोड़ी एक हो पाए, क्योंकि इन्हें अलग करवाने वाला इनका धर्म इनके बीच आ रहा है। जहां धर्मेश हिंदू धर्म के हैं, तो वहीं उनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम धर्म की है और धर्म की वजह से इनका परिवार इनके खिलाफ है। शायद इसलिए अब तक ये जोड़ी होल्ड पर है और शादी नहीं कर पा रही है। अब देखना होगा धर्मेश माता पिता की बात मानते हैं या फिर गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए धर्मेश अपने माता पिता को भी मना लेंगे या फिर वेशर्ना को छोड़ना पड़ेगा? अगर धर्मेश ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया तो वो भी बहुत अफसोस करेंगे, क्योंकि धर्मेश वेशर्ना के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते और इस जोड़ी के अलग होने का दुख फैंस को भी होगा। वही परिवार तो सबसे पहले आता है, अब देखना होगा परिवार या गर्लफ्रेंड किसे चुनते हैं धर्मेश। वही हाल ही में सानिया मल्होत्रा कलर्स टीवी के रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में पहुंची थी। इस दौरान सानिया ने अपनी फिल्म पगलेट के बारे में बातचीत की और साथ ही धर्मेश को देखकर वो राज खोला, जो सुनकर हर कोई शौक रह गया। सानिया ने बताया कि 6 साल पहले वो भी इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आई थी, लेकिन धर्मेश सर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और वो रोते हुए घर पहुंची थी। धर्मेश ने उन्हें समझाया था कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज कर देता तो शायद आज तुम इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। धर्मेश से प्रेरणा लेकर सानिया ने बहुत मेहनत की और आज वो बॉलीवुड में धमाल मचा रही है। वही धर्मेश के करियर की बात करें तो धर्मेश पापा के साथ चाय बेचते थे। धर्मेश ने बताया था कि उनकी नौबत ऐसी आ गई थी कि उन्हें पियोन की नौकरी भी करनी पड़ी थी, लेकिन धर्मेश ने डांस करना नहीं छोड़ा। वो डांस में बहुत लगाव रखते थे। उन्हें हिम्मत तो तब मिली जब वो एक रियलिटी शो बुगी बुगी के विजेता बने। उसके बाद से धर्मेश का हौसला बढ़ता ही चला गया। उन्होंने डट कर मेहनत करके आज इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। धर्मेश कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने डांस करना नहीं छोड़ा। धर्मेश ने फिर DID जैसे शोज में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो वहाँ विजेता नहीं बन पाए। धर्मेश को नहीं पता था कि जिस शो में वो रिजेक्ट हो जाएंगे, उसी शो में वो कभी को जज बनेंगे। धर्मेश इस शो के कंटेस्टेंट को कोरियोग्राफर भी कहते हैं। धर्मेश ने फराह खान के साथ 30 मार खान जैसी फिल्म कोरियोग्राफ की है। धर्मेश ने पहली फिल्म ABCD में काम किया और इस फिल्म से ही लोग धर्मेश के दीवाने हो गए। बड़ी बड़ी हस्तियां उनके टैलेंट को सलाम करती हैं और उसके बाद तो धर्मेश के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। तो आप तो ऐसे होनार कोरियोग्राफर को एक कमेंट तो कर ही सकते हैं।
कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए पिछला साल काफी दुखों से भरा रहा। 3 महीने पहले रेमो की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उनकी जिंदगी पलट कर रख दी थी। डांसर को हार्ट अटैक भी आया और उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। ये वो समय था जब कोरियोग्राफर का पूरा परिवार तो दुआ मांग ही रहा था, साथ ही पूरा देश भी उनके स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठा था। अब रेमो ने डांस की दुनिया में फिर वापसी कर ली और एक बार फिर से वही दुख भरे दिन वापस दिखाई दिए। वो हाल ही में रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर पहुंचे थे। डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंचे रेमो जब तक कुछ बोलते, वहां परफॉर्मेंस ने वो किस्सा दिखाया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कोरियोग्राफर को डांस शो पर एक खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया गया, एक ऐसा ट्रिब्यूट जिसमें रेमो के हार्ट अटैक आने से लेकर ठीक होने वाली पूरी जर्नी दिखाई गई। डांस के जरिए उस कहानी को जिस अंदाज में बयां किया गया था वो देख रेमो की आंखें भर आईं और वो वहीं सेट पर फफक फफक कर रोने लगे। वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि खुद को रोने से रोक नहीं पाए। वीडियो में कहते सुनाई दिए, मैं इससे पहले कभी ऐसे नहीं रोया। वही रेमो को इमोशनल होते देख धर्मेश ने भी अपना दिल खो दिया। कोरियोग्राफर ने 2 टूक कहा कि कोई भी समस्या, बीमारी, यहाँ तक जिंदगी भी गंवानी पड़े तो वो सबसे पहले उन पर आए। रेमो हमेशा सुरक्षित रहे। धर्मेश का इतना कहना ही सेट पर मौजूद तमाम स्लेब्स को भावुक कर गया और सभी रेमो के लिए तालियां बजाने लगे। कोरियोग्राफर भी उस ट्रिब्यूट से खासा खुश हुए। उन्होंने खड़े होकर वो अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब रेमो को ना सिर्फ ट्रिब्यूट दिया गया बल्कि उनके टैलेंट को सम्मानित किया गया। वैसे हाल ही में रेमो डिसूजा का एक डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कोरियोग्राफर ने यूयू हनी सिंह के गाने सैयाजी पर शानदार डांस किया था। उनका वो डांस दिखा रहा था कि वो अब फिर पुराने फॉर्म पर लौट आए हैं और बहुत जल्द कुछ बड़ा धमाका करते दिखाई देंगे। सही सलामत रेमो की अचानक हालत खराब होने पर पूरा देश हिल गया। उनके फैंस और करीबी दोस्तों तक का बुरा हाल है। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर रेमो को लेकर पोस्ट और ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। वहीं नोरा फतेही से लेकर धर्मेश, अहमद खान, आमिर अली, राहुल देव और सलमान यूसुफ खान को तुरंत रेमो के साथ हॉस्पिटल में देखा गया। अचानक हॉस्पिटल में मातम पसर गया। पत्नी को भी रोते देखा गया। बताया जा रहा है कि पत्नी अचानक पति की ऐसी हालत देखकर बेहोश भी हो गई थी। इस मौके पर धर्मेश लीजल को संभालते नजर आए। अस्पताल के बाहर पत्नी लीजल के साथ मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ भी नजर आए। सलमान डांस इंडिया डांस शो के पहले सीजन से ही रेमो के साथ काम कर रहे हैं। सलमान यूसुफ रेमो डिसूजा के करीबी माने जाते हैं। रियलिटी शो के साथ साथ रेमो की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इस मुश्किल समय में भी वो परिवार के साथ खड़े हैं। रेमो की पत्नी लीजल फोटोज में उनकी सेहत को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही हैं, साथ ही अपने पति से मिलने का इंतजार करती दिखी। रेमो की खबर सुनकर गीता और टेरेंस लुइंस ने भी रेमो को लेकर दुख जताया। रेमो डिसूजा के बारे में खबर आने के बाद उनके दोस्तों और डांस रियलिटी शोज की जज गीता कपूर और टेरेंस लुइंस ने सोशल मीडिया पर कोरियोग्राफर के लिए दुआ की थी।